आपको स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। कृष्णकांत सिंघारी अब देखते दिन भर की खास खबर। झारखंड सरकार द्वारा सम्मित शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने पर जैन समाज निकला रोड पर, अनुशासन ने किया विरोध, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। रामलीला कृषि उपज मंडी मार्ग काफी समय से पड़ा है अधूरा, ऊंचा नीचा रोड होने से आवागमन होता है खतरों से भरा। वो सब्जियों के दाम काफी कम होने से किसानों सब्जी विक्रेताओं की बड़ी मुश्किलें, नहीं मिल पा रहा उनकी मेहनत का फल। झारखंड में स्थित जैन समाज का पवित्र धाम सम्मित शिखर को झारखंड सरकार द्वारा पवित्र स्थल को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है, जिसके विरोध स्वरूप जैन समाज के लोग व महिलाएं सड़कों पर उतरी। लंबी कतार क्रमबद्ध तरीके से अनुशासित रूप में निकली, जहां नीमताल गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष अपनी बात मीडिया से साझा की और प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं उक्त पवित्र स्थल को पर्यटन स्थल से मुक्त कराने की बात कही है। इस अवसर पर सर्व समाज के प्रमुख व समाज बंधु उपस्थित रहे। क्षेत्रीय विधायक शशांक भार्गव, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, तोरण सिंह दांगी, श्याम सुंदर शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति राखी शर्मा सहित नगर के प्रबुद्ध व गणमान्य उपस्थित रहे। और आप सबसे हम आप कंधा से कंधा बढ़ाकर सरकार को लगे बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं आमंत्रित करता हूँ मुकेश जी टंडन साहब को, आए अपने विचार करें। सभी बच्चे आगे आ जाएं, सभी बच्चे आगे आ जाएं। सभी पुरुष वर्ग, महिला वर्ग और बच्चे आगे आ जाएं, सभी एक साथ सामूहिक रूप से खड़े हो जाएं। जैन समाज के पवित्र तीर्थ क्षेत्र श्री सम्मेत शिखर जी को केंद्र एवं झारखंड सरकार द्वारा अध्यादेश पारित कर पर्यटन स्थल बनाने के विरोध में सकल जैन समाज जिला विदिशा द्वारा आज यह विराट प्रदर्शन किया जा रहा है। सकल जैन समाज विदिशा की हमारी जैन समाज की भावनाओं को जो आहत करने वाला निर्णय है, झारखंड सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है ये उसके खिलाफ है। वास्तव में भगवान महावीर स्वामी के इस देश में, भगवान श्री राम के इस देश में या सभी धर्मों का सम्मान करने की हमारी संस्कृति रही है, वहां इस प्रकार का निर्णय लेकर न केवल जैन समाज बल्कि सभी देश की सभी धार्मिक समाजों का अपमान करने का यह फैसला लिया है। आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों से यह जरूर कहना चाहूंगा कि झारखंड सरकार ने अपने अधिकारों का प्रयोग करके जो प्रस्ताव दिया है केंद्र सरकार को, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मोदी जी, जिनके सुशासन में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, भगवान जो है काशी विश्वनाथ का मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, वहां शिखर जी में अगर जीर्णोद्धार होगा तो भगवान के उस स्थल का होगा, ना कि पर्यटक स्थल का होगा। मैं शैलेंद्र जैन, सकल दिगंबर जैन समाज का कार्यकारी अध्यक्ष। आज जैन समाज के माध्यम से कुछ रैली निकाली जा रही, क्या पूरा मामला है? केंद्र सरकार और झारखंड सरकार ने जो शिखर जी हमारे सिद्ध क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित किया है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं एवं उसको तीर्थ क्षेत्र ही बना रहेंद्र है। जैन समाज और अनेक धार्मिक संस्था के वो पवित्र स्थल हैं, हम केंद्र सरकार और झारखंड सरकार से ये पुरजोर मांग करते हैं कि उसको तीर्थ स्थल ही घोषित करें एवं उसकी सुरक्षा व्यवस्था की पूर्ण जानकारी। आपका जो तीर्थ स्थल है उसका क्या महत्व है?
शिखर जी का, ये हमारे लिए तीर्थ स्थल एक स्वर्ग समान है। यहाँ से कितने संतों ने, कितने जैन संतों ने यहाँ से अपनी दीक्षा ली है और कितने तपस्या की? अनेक तीर्थं इस क्षेत्र से अनेक तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। अध्यक्ष शीतल विहार न्यास विदिशा, आज जो हमारी रैली निकल रही है मौन रैली, वो हमारा जो सर्वोच्च तीर्थ है सम्मेश शिखर जी, युगों युगों से वो इसी प्रकार धर्म क्षेत्र रहा है, उसके लिए पर्यटन स्थल बनाना, उस स्थान को दूषित करना है। हमारे 20 तीर्थंकर जहाँ से मोक्ष गए, हजारों करोड़ों मुनि मोक्ष गए, ऐसी पवित्र भूमि को दूषित करने के लिए ये योजना आई है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि हमारे धर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र रहने दिया जाए, पर्यटन क्षेत्र ना बनाया जाए, क्योंकि वहाँ पर आज भी कुछ दुकानें हैं जो कि वहाँ लग रही हैं पहाड़ पे, और अगर ये क्षेत्र ये पर्यटन स्थल बन जाता है तो वहाँ पर ऐसी जो धर्म के खिलाफ है, हमारे जैन धर्म के मांस मदरा का इसकी दुकानें, और वो पर्यटन स्थल किसी प्रकार से उचित नहीं है। उसे धर्म क्षेत्र रहने दिया जाए, किसी के धर्म को में आत्मा को किसी की आहत नहीं करना चाहिए सरकार को, और इसको वापस लेना। रूबी जैन, मिस्टर सयम जैन, सभी को मेरा जय जिनेन। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हमारे विदिशा शहर में शिखर जी को बचाने के लिए रैली निकाली जानी है, वो भी 1 बजे तक। इसके लिए मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारकर इस रैली में सम्मिलित होकर हमारे शिखर जी क्षेत्र का बचाने का अनुरोध करें। रेल यात्रियों की विभिन्न आवश्यक सुविधाओं बढ़ोतरी हेतु दैनिक रेल यात्रियों की सुविधाओं बढ़ोतरी के निरंतर प्रयासों के चलते जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। दैनिक रेल यात्री उपस्थित रहे, कमलेश सेन ने दी जानकारी। महोदय, विनम्र निवेदन है कि विदिशा का जो ज्ञापन दिया है वो बेसिकली अपडाउनर्स के लिए तो नहीं था, शहर के निवासियों के लिए था। कुछ ट्रेनों का ठहराव और कुछ ट्रेनों का साप्ताहिक जो चलती हैं उनको डेली चलाने पर ज्ञापन दिया गया है, और आंशिक समय परिवर्तन है राजरानी एक्सप्रेस का, उसकी मांग की है। एक समस्या जो बनी हुई मेरे ख्याल से पीछे आप देखेंगे, जिस पैराफिट को मैं हटाने की बात कर रहा हूँ वो मेरी आपत्ति भी रही है पहले शुरू से, लेकिन उस आपत्ति जब मैंने लगाई तो उसके बाद इसकी स्पीड बढ़ गई, काम करने की गति बढ़ गई, और ये पार्किंग एक तरह से अवैध पार्किंग सामने खड़ी हो गई। इसको हटवाने के लिए हम प्रयासरत था कि स्टेशन के सामने जो साज सज्जा थी या व्यवस्था बनी थी वो बनी रहे, और शेष ज्ञापन में मांगे हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। मैं अरुण अवस्थी, उपाध्याय रेलवे अप डाउनर एसोसिएशन का। आज आपने ज्ञापन सौंपा स्टेशन मास्टर को, क्या पूरा मामला है? पूरी मांगे हैं हमारी, जो पहले कोरोना के समय से जो ट्रेन अव्यवस्थित कर दी गई थी, उन ट्रेनों का समय बढ़ाने के लिए, हमारे कर्नाटक यहाँ से बेंगलोर पढ़ने के लिए बहुत सारे बच्चे जाते हैं, यहाँ कोई ट्रेन नहीं है, भोपाल से जाके या फ्लाइट से जाने पड़ता है, इंदौर से पकड़ने पड़ता है, उन सब समस्याओं को लेकर हमने स्टेशन मास्टर महोदय को ये ज्ञापन दिया कि कर्नाटक एक्सप्रेस को जहाँ रोका जाए, राजरानी का ट्रेन का समय बढ़ाया जाए, सिंगरौली प्रतिदिन करा जाए, जो भी ट्रेन हमारी मांगे हैं उन पर अति शीघ्र कार्रवाई की जाए। हमने निवेदन स्वरूप उनसे करा है, हमारी मांग हमें ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी मानी जाएंगी। उनकी क्या समस्या है, किस तरीके से आप इनका हल करने का प्रयास कर रहे हैं? ये जो अप डाउन प्रोग्रेसिव वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, इसमें विभिन्न गाड़ियों की जो साप्ताहिक है उनको प्रतिदिन चलाने के लिए, कुछ के समय बदलाव के लिए, तथा उज्जैन में एक जो CCTV लगी थी जिससे महाकाल के सीधे दर्शन होते थे, इत्यादि असुविधाओं का, या जो उनको थोड़ी सी और सुविधाएं चाहिए उनका उन्होंने ये ज्ञापन दिया हुआ है। मैं इसको अतिशीघ्र मंडल कार्यालय तथा उच्च अधिकारियों को पहुंचाऊंगा और कोशिश करूंगा कि उनकी इस मांगों पर शीघ्र से शीघ्र जो भी मंडल कार्यालय निर्णय ले उसको उचित उससे पहुँचाकर, और उसको जो पहुँचाएंगे उसको जो कार्यवाही होगी उससे उनको अवगत कराओ। निजी गार्डन में विश्वकर्मा पंचाल कल्याण समिति द्वारा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। दूर दराज से आए समाज के वरिष्ठों द्वारा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों व समाज के वरिष्ठों का सम्मान किया गया। विश्वकर्म समाज के राजकुमार विश्वकर्मा ने दी जानकारी। वही मंजिल को पार करते हैं, एक बार सफल पर चल के तो देखो,
एक बार इस सफर पर चल के तो देखो प्रणाम भैया, एक बार इस सफर पर चल के तो देखो ऐसे मुसाफिरों का भी कुछ सफर इंतजार करते हैं। एक बार सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। बहुत देर से शांति छाई हुई है, निर्वाचित हुए हैं और एक एक मात्र विश्वकर्मा समाज के ऐसे जनपद सदस्य हैं, अभी जनपद अध्यक्ष भी बनने वाले थे, संघर्ष चलता रहे। दीपा भैया आप आए और दो शब्द समाज के लिए। सम्मानीय मंच में बड़े आदर लोग बैठे हुए हैं, वरिष्ठ भी हैं, ज्येष्ठ भी हैं, श्रेष्ठ भी हैं और सामने मेरे साथी मित्र हैं। सबने अपने अपने वक्तव्य बोले हैं। देखिए हमें समाज किस दिशा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये बात नहीं है हमारी। हमें सब लोगों को एकत्र होकर एक छत के नीचे एक साथ खड़े रहकर हमारी मांगों को रखना है। ये नहीं है मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कोई कांग्रेस का है, कोई अन्य दल का है। जब हम हमारे अधिकार मांग रहे हो तो हम एक छत के नीचे रहना पड़ेगा, तो आपको अधिकार आपके मिल सकते हैं, वरना आप अलग अलग छत के नीचे रहोगे तो आप अपने अधिकार नहीं ले सकते। ये सिद्ध हो चुका है, क्योंकि मैंने देखा है विष्णु जी के टाइम पे जब एक बार विश्वकर्मा समाज को बोला कि विधानसभा का घेराव करेंगे अपन, तो वहां क्या है विष्णु जी को हुजूर से टिकट मिल जाएगा, पर उस टाइम पे कुछ लोग पहुंचे नहीं थे वहां पे। तो मेरा ये मानना है कि अगर एक छत के नीचे रहें और एक साथ खड़े रहें तो निश्चित ही विधानसभा 2023 में, मैं ज्यादा बड़ा बोल नहीं बोलूंगा, बहुत सारे अनुभवी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो विधानसभा में अपनी मांग रख सकते हैं और मिल भी सकता है, क्यों नहीं मिल सकता। वो जरूरी है कि एक छत के नीचे खड़े होकर अपना जितना मंच अपन अपना साझा कर सकते हैं वो कहीं नहीं कर सकते। तो इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को मनीष भैया को बासुदास से जो उसमें निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, इस कारण भी आपका अभिनंदन और स्वागत है। आपके विषय में बोलता हूं मैं, आंख में पानी रखो, होंठों पर चिंगारी रखो। सहयोग एवं योगदान विश्वकर्मा समाज का रहा है, इसे मैं ताउल भूल नहीं सकता। ये ऋण मैं कभी उठा नहीं पाऊंगा, पर मेरा एक प्रयास रहेगा मेरे नगर एवं पूरे जिले के अंदर कहीं भी मेरी इसी प्रकार। अब मैं अगले जिनको सम्मान करना है, अगले वक्ता के लोग छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग देने लगे और आज इतनी बढ़िया कोचिंग क्लास विदिशा शहर के अंदर। हमें गर्व होता है कि जब कोई बच्चे वहां से निकल के आते हैं तो कहते हैं, हम कई बार पूछते हैं किधर से आ रहे, विश्वकर्मा सर हमको पढ़ाते हैं, विश्वकर्मा सर की कोचिंग लेके आ रहे हैं। तो समाज में शहर में जगह जगह विश्वकर्मा सर का नाम अगर चलता है तो विष्णु विश्वकर्मा जी का नाम चलता है, तो ये हमें गर्व की बात है, तो इस समिति को भी गर्व की बात है। ऐसे विश्वकर्मा रत्नों का आज हमको सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। विष्णु भैया आप ही दो शब्द। मुझे सबसे ज़्यादा आज बहुत खुशी हुई है प्रिंसिपल जी, मुझे मतलब आज खुशी है इस बात की कि विश्वकर्मा तो मैं हूँ, इस बात पर गर्व है मुझे, पर आज मुझे विश्वकर्मा समाज ने सम्मान किया, इस बात को मुझे बहुत सम्मानी मंच पर बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे स्नेह रखते हैं और मेरी शायद बुरी बुरी प्रशंसा भी करते हैं, कहीं कहीं बैठते हैं और मैं हृदय से इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय श्री विश्वकर्मा। बाइट जनवाल में निकल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक मिनट, सभी समिति के सदस्यों से निवेदन, सभी समाजजनों के बीच में आपका सम्मान हो जाए। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में मनोज भैया बैठे, अभी एक बहुत बड़ी बात है, जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। एक बार इस सफर पर चल के तो देखो, एक बार इस सफर पर चल के तो देखो प्रणाम भैया, एक बार इस सफर पर चल के तो देखो ऐसे मुसाफिरों का भी कुछ सफर इंतजार करते हैं।
एक बार सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। बहुत देर से शांति छाई हुई है तो जितनी आवाज आना चाहिए। विश्वकर्मा पंचायत समाज कल्याण समिति ने समाज के विभिन्न प्रतिभाओं का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें हमारे भोपाल से वासुदास से सिरोंज से जो पार्षद निर्वाचित हुए उनका सम्मान, विभिन्न कलाओं में विभिन्न प्रतिभाओं में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उन समाज सेवियों का भी हमने सम्मान का आयोजन किया है और इस तरह का आयोजन चल रहा है। सभी को बहुत धन्यवाद। रामलीला गल्ला मंडी मार्ग काफी समय से अधूरा पड़ा है, जिसका एक हिस्सा बना है और दूसरा हिस्सा का निर्माण नहीं होने से आवागमन खतरों से भरा होता है। मुश्किलों से लोग यहाँ से गुजरते हैं। दिन रात घटना और दुर्घटना का अंदेशा लोगों में बना रहता है। वहीं पूर्व में विधायक शशांक भार्गव द्वारा इस रोड निर्माण अव्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन भी किया जा चुका है, लेकिन स्थिति अभी तक जस की तस है। जिला मुख्यालय से सटे इस मार्ग की दुर्दशा पर लोगों का क्या कहना है, आप भी सुनिए। भाई साहब, आप देख रहे हैं ये तो सालों की कहानी है, सालों से ये खुदा पड़ा हुआ है। कई बार शासन प्रशासन को, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इसके बारे में अवगत करा चुके हैं और अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे धरना भी दिया गया था मेरे द्वारा, उसमें विधायक शशांक भार्गव जी भी शामिल हुए थे। क्योंकि इस रोड का जो टेंडर था वो टेंडर नगर पालिका द्वारा कर दिया गया है और मेरे ख्याल से इसका भूमि पूजन भी कल अध्यक्ष जी द्वारा किया गया है, लेकिन हमारा निवेदन है अध्यक्ष जी से कि यहाँ पे हजारों किसानों की, पहले भी कई बार बात हो चुकी है, किसानों की बहुत भारी मात्रा में इस रोड से आना जाना होता है, शहर का व्यापारिक मुख्य मार्ग होता है, तो ये अति शीघ्र इस रोड को बनवाएं। बहुत परेशानी होती है किसानों को, ट्रायली पलट जाती है, बच्चों के स्कूल वालों के ऑटो पलट जाते हैं, तो अब ये पड़ा है आधा अधूरा। अब देखते हैं नगर पालिका अध्यक्ष जी की कृपा कब होती है, कितने दिन में इसको बनवाते हैं। पीड़ा है, मैं यही रहता हूँ भैया गल्ला मंडी रोड पे। क्या समस्या है आप यहाँ पे भैया? रोड एक साइड का पटली बनी हुई, एक साइड की नहीं हुई, आए दिन एक घंटा दो दो घंटा ट्रैफिक लगते हैं, किसानों में आने जाने में बहुत तकलीफ होती है, ट्राली पलट जाती है, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं स्कूलों से, काफ़ी कुछ नुकसान हो जाता है किसानों का भैया। अभी कुछ दिन पहले जो ट्राली पलट गई भैया, मेरा बच्चा बच गया था मरते मरते, वो ट्राली के नीचे आ जाता। क्या उम्मीद करते हैं आप? मैं यही उम्मीद करता हूं भैया नगर पालिका से कि सरकार से कि ये रोड का काम जल्दी जल्दी हो जाए और किसानों को दिक्कत ना हो, आए दिन सब किसान इधर से गुजरते हैं। मकर संक्रांति पर्व से पूर्व बेतवा नदी किनारे स्थित उद्यान में साफ सफाई कार्य चल रहा है। वहीं बेतवा नदी की स्थिति पर मंदिर के पुजारी जी ने अपनी बात रखी। ये मकर संक्रांति आ रही है तो जहाँ भक्त लोग आगे जाएंगे दर्शनों को, नहावे आएंगे बेतवा नदी पे, चना तीर्थ धाम पे, वो बेतवा अपने रखेला घाट, बड़वारा घाट, सब घाटों की कम से कम ऐसी दो में आगे जनता को देखेगा अच्छा हो रहा है यहाँ पे। तो ये आप अपनी व्यक्तिगत करवा रहे हैं? हाँ, व्यक्तिगत जनता से अपन सरोज लेते हैं। सब्जियों के दामों में कमी आने से किसानों व सब्जी विक्रेताओं को परेशानियां पैदा हो रही हैं। उन्होंने बताया कि उनकी मेहनत की कमाई नहीं हो पा रही है। सब्जी व्यवसाय, अभी सब्जी के भाव क्या है? सब्जी के भाव सभी सस्ते हैं। पालक करे 2 रुपए किलो, मेथी 3 रुपए किलो, धनिया 10 रुपए किलो, लहसुन 3 रुपए किलो, प्याज 2 रुपए किलो, आलू 10 रुपए किलो, सब माल सस्ता है। लागत निकल रही है किसी की? कुछ नहीं निकल रही, मार्जिन कुछ नहीं निकल रही है। इसका मूल कारण ये है कि अत्यधिक मात्रा में किसानों ने सब्जियों के बीज लगाए हैं, जैसा कि आपने देखा होगा पिछले कई बार कि बहुत प्याज बहुत सस्ती हो जाती है, टमाटर बहुत सस्ते हो जाते हैं, तो उसका मूल कारण ये है कि एकदम एक ही चीज़ किसान लगा लेते हैं। जैसे कि अब सोयाबीन की खेती से लोगों का रुझान हट रहा है, या मूंग की खेती, उड़द की खेती कम लगा रहे हैं, तो अब ये सब्जियों की पैदा ज़्यादा बार हो गई है, तो सब्जियों की पैदावार हो गई तो भरमार हो गई मंडी में, इसलिए रेट कम हो गए। माल ज़्यादा यार लगा भाई। पालक क्या भाव है? मतलब 2 रुपए किलो है। 2 रुपए किलो पालक? हाँ। अच्छा, और क्या क्या सब्जी सस्ती हो गई है? सब्जी सस्ती है, टमाटर सस्ते, गोभी सस्ती। गोभी का भाव है? गोभी 10 रुपए किलो। रामलीला परिसर में घुमंतु और घुमंतु और विमुक्त समाज के लिए विशाल सम्मेलन आयोजित हुआ। समाज के लिए मुख्य धारा से जुड़ने के लिए कार्यक्रम संपन्न हुआ। एक नई दिशा व ऊर्जा के साथ जीवन यापन हो प्रयासों के चलते आरएसएस शाखा के वरिष्ठों द्वारा सम्मेलन किया गया। परिचय देना चाहता हूँ, हमारी समाज 3 विशेषताओं से लोहापीटा समाज को जाना जाता है, मेहनत, ईमानदारी और वचनबद्धता। ईमानदारी इतनी
कि चित्तौड़ के दुर्ग से निकलने के बाद मेहनत को अपना मुकाम बनाकर मेहनत के द्वारा ही अपना भरण पोषण करना उचित समझा। आज तक 400 वर्ष के इतिहास में लगभग इस जाति के ऊपर श्री धर्मेंद्र जी मिश्रा जी से आग्रह करता हूँ कि आए और भाई साहब का स्वागत करें। आप लोहपीटा समाज के जिला अध्यक्ष हैं। आपके स्वागत हेतु प्रदीप जी अपने स्थान से ही भारत माता की आरती करेंगे। हम लोग यहाँ पर अभी भारत माता की आरती प्रारंभ हो रही है। अपने स्थान पर ही सब लोग तालियां बजाएंगे, भारत माता की आरती गाएंगे। बोलिए जाति समाज की जो समिति है विदिशा जिले की, उस समिति के माध्यम से ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है। और हमारा उद्देश्य है कि हमारे विदिशा जिले में जितनी जो जातियां हैं घुमंतु अर्धघुमंती विमुक्त, इन सभी जातियों को, सभी समाज को समाज की मुख्य धारा जोड़ने का उद्देश्य है। ये रोजगार से लगे इसमें सभी लोग यहाँ पर आएंगे, सबका भोजन होगा, भोजन के बाद में इनकी समस्याएं सुनी जाएंगी और कौन सी समस्या किस प्रकार से निदान होगी उसका पूरा रूपरेखा बना करके हम लोग मध्य प्रदेश सरकार को और कलेक्टर को यहाँ पर प्रशासन को देने वाले हैं। और फिर भी कुछ सामाजिक समस्याएं हैं, समाज स्तर पर कैसे हल होगी उसका हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। क्या और क्या जो मतलब किस तरीके से सुबह क्या शेड्यूल क्या रहेगा इसका? इसका 10 बजे सब लोग आएंगे, 10 से 11 तक इनका अल्पाहार होगा, फिर 11 बजे से सत्र होगा। इनमें विभिन्न प्रकार की चर्चा इनके बीच में करने वाले हैं और इसके बाद में फिर एक और सत्र होगा, उसमें हमारे अखिल भारतीय अधिकारी के माध्यम से जो गाइडलाइन है, क्षेत्र के संगठन मंत्री हमारे रामेन जी उनका मुख्य वक्ता रहेंगे इस कार्यक्रम के। हमारे गोरेलाल जी भाई साहब क्षेत्र घुमंतु कार्य प्रमुख वो रहेंगे, कलेक्टर रहेंगे विदिशा के, और साधु संतों के नेतृत्व में ये कार्यक्रम होने वाला है जिससे कि इनकी सभी समस्याएं की निदान हो सके। समाज जिला अध्यक्ष, आज घुमंतु अर्धघुमंतु समाज का एक कार्यक्रम था, क्या उद्देश्य था इसका? इसमें आज हमको बहुत बड़ा सम्मान मिला। आज हमारी समाज दूर दूर से गाँव से आई है और यानी कि कुरवाई स्रोन ग्यारसपुर सब जगह से लोग आए हैं विदिशा शमशाबाद से, उनको आज बहुत सम्मान मिला। आज हमारी समाज को न्याय मांगने के लिए कुछ व्यवस्था और कुछ शासन द्वारा कार्यवाही करने की मांग मिली है। वर्तमान सरकार से आपको क्या उम्मीद दिख रही है, क्या नज़र आ रहा है आपको? वर्तमान सरकार से हमें ये उम्मीद दिखती है
जो कोई भी सरकार बने, हमारी अर्धघुमुट घुमुक जाति समाज के लोग हैं, उनके ना तो किसी के बेचारे लोगों के जाति प्रमाण पत्र है, ना परमिट है, लोग परेशान है, ना रास्ता है निकलने के लोगों को लिए, और सब बात से भी परेशान है। 15 साल से बीजेपी की सरकार है, आप घुमंतु समाज से मतलब करते हैं, तो आपको अभी तक 15 साल से बीजेपी सरकार ने क्या फ़ायदा दिया? बीजेपी सरकार ने बहुत फ़ायदा दिया हमको, जैसे रोड निकलने के लिए, अभी क्या है कि हमारे यहाँ संजय सागर बांध बना हुआ, इसलिए रास्ता नहीं है निकलने के लिए, और जगह जगह रास्ता भी है, और बीजेपी की सरकार आने से तो बहुत फ़ायदा मिला है, लोगों को परमिट भी मिला है, राशन पर्ची अनाज मिला है फ्री का। शिवसेना द्वारा प्रेस क्लब भवन पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जहां मीडिया से अपनी बात साझा की गई। मेरा नाम राहुल जोशी, मैं शिवसेना जिला अध्यक्ष विदिशा से, इसलिए रखी गई है कुछ हमारे शिवसैनिक हैं पूर्व के, और अड़ीबाजी रखते करते हैं, आरटीआई लगाते हैं, इसलिए बैठक रखी गई है। तो क्या कहना चाहते हैं आप, किस तरीके की मदद चाहते हैं पत्रकारों से या पुलिस से, किस तरीके की मदद चाहते हैं? हम जे मदद जे किसी के विभाग में ऐसी कोई खबर आती है तो हम तो डायरेक्ट बात करें फ़ोन लगा कर, इसका विरोध करेंगे, इसकी FI दर्ज कर ही जाएगी कोई भी शिवसैनिक हो। अभी तो कोई ऐसा नाम आया है जिसने अड़ीबाजी की है? उसका नाम तो नहीं आया, अब आ जाएगा तुरंत ही FI दर्ज हो जाएगी उसकी। झाकड़ है, मैं ग्रामीण जिलाध्यक्ष कारोबार जिलाध्यक्ष हूँ। आज हमने जो मीटिंग रखी थी, मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकार वार्ता जो रखी गई है, हमने आज हमने इस बेसिकल पर रखी गई है, क्योंकि जो हमारे कुछ शिवसैनिक लोग, जो पूर्व शिवसैनिक लोग हैं, जो कुछ लोगों के साथ अड़ीबाजी कर रहे हैं या किसी को कुछ धमकियाँ दे रहे हैं, हमारे पास ऐसे फ़ोन आ रहे हैं अब, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी शिवसेना का नाम बदनाम ना हो, इस कारण से हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो अब हमने एक शिवसेना में नया संशोधन किया है कि जिसमें शिवसेना के जो अधिकारी हैं, जैसे कोई जिले का अधिकारी है तो उसके पास जिला अध्यक्ष के सील साइन होंगे, वही तो ही मान्यता होगी, अन्यथा वो हमारा कोई शिवसैनिक नहीं रहेगा, उसके खिलाफ डायरेक्ट नाम दर्ज हम FIR जा करके करेंगे। तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा News। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही, शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।